नमस्कार। आज हम मैथ के वो हर एक गुण, हर एक गाथा को बताएंगे जो ना तो आपको कोई टीचर बताते हैं, ना कहीं संस्थान में बताते हैं, ना को स्कूल बताते हैं। ठीक है, तो हर चीज आपको बताने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे जीवन में मैथ और रीजनिंग का क्या अहमियत है। जिस तरह से आप कल्पना करने की जो शक्ति है वही एक मैथ और रीजनिंग है। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। आपको जिस तरह से एक लड़की से प्यार करते हैं तो धोखा भी मिलता है, पिटाई भी मिलता है और शादी हो गया तो पूरा संसार बसने का भी मौका मिलता है, उसी तरह से हम आपको बताएंगे कि मैथ उसी तरह से आप मैथ बनाने का, आप कमजोर हैं तो मैथ बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको डर भी लगेगा। आप जब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैथ भी आपको डराता है, आपको पीटता है, आपको समझाता है, आपको सिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके बाद आपको कल्पनाओं के शहर में ले जाता है और आपको एक शिक्षित बनाता है, आपको एक जो मुकाम हासिल करने का प्रयास कर रहे थे तो एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, और लाइफ टाइम ये आपका समय बचाएगा मैथ और रीजनिंग। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैथ जीवन में क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैथ जीवन में क्यों पढ़ना चाहिए आप थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम पटना शहर में हैं और आपको जाना है दिल्ली, आपको जाना है मुंबई, आपको कहीं और जाना है, तो आप जो है या आप गाड़ी जाइएगा, आप मानिए कि कल्पना कीजिए। देखिए, हम मैथ को जब भी पढ़ाते हैं तो कल्पनाओं में समा देते हैं। आप कल्पना कीजिए मैथ बन जाएगा, लिखने का तरीका सीखिए मैथ बन जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ, आप पटना से अगर दिल्ली जाते हैं तो लगभग 1200 किलोमीटर दूरी है, तो आप कल्पना कीजिएगा ओ 1200 किलोमीटर है। हम साइकिल से जाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल से जाना चाहते हैं, फोर व्हीलर से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या एरोप्लेन से जाएंगे। तुरंत माइंड में आप अपने आर्थिक उन्नति के हिसाब से आप जो है वहां पर सपोर्ट कर सकते हैं। हम बोलते हैं ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, हमको लगता है ट्रेन का स्पीड लगभग 100-125 का स्पीड रहता है, 1200 किलोमीटर है, लगभग 10 से 12 रुकते रुकते 12 से 13 घंटा में पहुंचा देगा। तो यहां से अपना खाना पीना, 2 टाइम का खाना लगेगा, उसके बाद जब 12-13 घंटा पहुंचा, रात चढ़ेंगे तो दिन 8 बजे उतारे, उस हिसाब से आप काम का शेड्यूल दिल्ली में फिक्स कर लेते हैं। तो ये चीज जीके से या अदर चीज से नहीं होता, जीके स्थान को आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली में कहा जाना, आप जीके पढ़ेंगे तो वहां पता चल जाएगा और यहाँ तक आपको भूलना भटकना यही तो पढ़ा है। तो आप जब जाइएगा आप अपना काम का एडजस्ट सही तरीका से कर पाइएगा। ये नहीं कि आप सोच नहीं पा रहे 1200 किलोमीटर है, चेन्नई है ना है, वहां पर जाइएगा आपका काम का कोई हिसाब नहीं। तो यही एक मैथ और रीजनिंग जो है मिल करके आपके कल्पनाओं का विकास करता है। ठीक है, और हम बताएंगे आपको मैथ किस तरह से पढ़ना चाहिए। आपको मैथ डांटेगा, फटकारेगा, आपको भी धोखा देगा। जैसे लड़की लोग धोखा, देखिए आज के आधुनिक स्टैंडर्ड के हिसाब से हम आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा बताते हैं मैथ से डर क्यों लगता है। देखिए दोस्त, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप मानिए कि लड़का है और एक लड़की है, आप जब कल्पना करते हैं, देखिए मैथ एक कल्पना, हम कल्पनाओं के हिसाब से ना तो ज्यादा फार्मूला नहीं एक्सपेक्ट मानते हैं। ठीक है, आप कल्पना कीजिए आपके सामने एक लड़की दिखी, बहुत ही खूबसूरत लगी, और आप उसको धीरे धीरे क्या कीजिएगा, लगेगा कि हमारे जो है साथ आ जाए तो बहुत बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कल्पना कर रहे थे बहुत सुंदर है, इससे कैसे किस तरह से बात करने का प्रयास किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे आप उसके अंदर धीरे धीरे ढालने लगते हैं, कभी दिमाग लगाने लगते हैं, क्योंकि वहां पर भी दिमाग लगता है, वहां धीरे धीरे दिमाग लगाएंगे, फिर नंबर तक पहुंचेंगे, जब नंबर तक पहुंचेंगे फिर बात होने लगेगा, बात होते होते भी हो सकता है आपको थोड़ा सा मतलब बात भी सुनने मिल जाए, लपड़ झपड़ मिल जाए, बात करने लगे, धीरे धीरे घर में जानकारी मिलता है तो कहीं कहीं लाठी डंडा भी पड़ेगा, यानी आपको डर भी लगता है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हैं, आपको अंतिम तक शादी उदी हो जाता है, आप एकदम कल्पनाओं में पूरा खुश रहते हैं एकदम। तो उसी तरह से मैथ है, जब आप मैथ को पढ़िएगा तो कभी कभी इसका मोटैया देख के डर लगेगा, बाप रे बाप इसमें हेलेंगे, कितना डर लगेगा, ओ कितना फार्मूला होगा, एडवांस मैथ में जाइएगा तो अलग से लतियाएगा आपको मैथ। ठीक है, आपको धोखा देगा, एक बार अगर कितना सुंदर से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में आप मिल गया क्वेश्चन, लेकिन बनाना है, लगेगा जीवन में फार चीड़ देगा, मैथ को ऐसे कर दे वैसे कर दे। तो देखिए उसी तरह से जिस तरह से आप उसके जब आप प्यार करते हैं, कल्पनाओं के विस्तार में जाते हैं तो लाज जूता सब पड़ता है, उसी तरह से मैथ भी बोलता है लाज जूता सब पड़ता है, आपको धोखा देगा। सीखिएगा तो आपको लगेगा इधर से पढ़िएगा, दूसरा चैप्टर में जाइएगा तो वहां भूल जाइएगा, तो लगेगा क्या हो रहा। तो यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि हर एक तरीका से आपको कैसे पढ़ना है,
अकबकाना नहीं है, धीरे धीरे आपको पढ़ना है एकदम ही ना, और दूसरा का देखा हिस्की से पढ़ें, लेकिन दो देखिए हम यहाँ लिख दिए, हाँ देख कर सीखें लेकिन देखा हिस्की ना करें। दूसरा लोग देखेगा वो मैथ में कितना तेज है, देखिए मैथ का नहीं पढ़ना इस सबसे बड़ा कारण है, दूसरे लोगों को देखेगा आप लोग मैथ में कितना तेज है, हमसे बनवे नहीं करता, अपने आप को कमजोर मान लेते हैं, जो कि ये सबसे बड़ी भूल होता है, जो मैथ जिससे नहीं बनता ये थोड़ा सा कमजोर है। यहाँ पर सबको भगवान एक जैसा बना भेजा, ना किसी को कमजोर ना तेज, वो आपके सोच के हिसाब से विकसित करता है, समझे। कितना लोग होता है कि आज मोटिवेट हुआ लगता है कि इससे मोटिवेट हो जाएगा कभी इससे हो जाएंगे, आज मोटिवेट हुआ आज भर पढ़ा कल से फिर, देखिए अपने आप को मोटिवेट, और दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये हकीकत है, ठीक है। आप जब अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा तो जीवन भर आप मोटिवेट कर पाएंगे, दूसरे से मोटिवेट होइएगा तो चंद पल के ही हो पाइएगा, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, और आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सपोर्ट कीजिए, हम आप ही लोग की तरह एक स्टूडेंट है, जो कि हम आपको मैथ को रीजनिंग को बिना एक्स माने जाए तो आपको बहुत सारा चैप्टर हम डाल चुके हैं, आप जा करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो आप जाइए वहां पर पढ़िए, देखिए बहुत मजा आएगा बिना एक्स माने, और हम ना किसी का प्रयास करते हैं, कॉपी ना करें किसी का फॉर्मूला, ये वो कोई भी चीज ऐसा होता है जो कि नहीं, वो सबसे बेहतर वही होता है, वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप जा करके पढ़िए, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो है एप्लीकेशन अपना भी है, जीके जीएस मस्ती है नाम का ये, जो आप प्ले स्टोर में जाइए डाउनलोड कीजिए, एक बार पढ़ के देखिए, साइंस पढ़िएगा जगदेश सर का, तो इतना खतरनाक तरीका से पढ़ाए हैं जो कि आप सोच नहीं सकते हैं, चाहे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी चैप्टर हो एक बार जाके पढ़िए, और हम भी आपके साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बता दिए, मैथ पढ़ाई नहीं प्यार है, ये आपको धोखा देगा, आपको बहुत उन्नति करवाएगा, ठीक है। जब आप इसमें आप एक बार इससे प्यार करके देखिए, देखिए इससे प्यार कीजिएगा ना तो बहुत मजा आएगा, और जीवन भर लगेगा बाप रे बाप पढ़ते रहे एकदम कल्पनाओं जो है ना आपके साथ, ठीक है। चलिए, और इस समाज को भी उन्नति का दिखाएगा। चलिए हम बताएंगे, तो ये हम आपको बता दिया मैथ किस तरह से सीखा जाए। देखिए दोस्त, मैथ दूसरा के देखा इसकी ना पढ़े, आप खुद से छोटा छोटा मैथ को पढ़े, और धीरे 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 जो है आप एक बार गए ना कि चैप्टर में घुसे पूरा चैप्टर कंप्लीट, आप धीरे धीरे चैप्टर में जाए छोटा छोटा क्वेश्चन को बनाए, और फिर आप अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत तो आप टीचर की सहायता लीजिए, आप किसी स्टूडेंट का सहायता लीजिए, जो जो आपको सिखा सके, ठीक है, या जो आपको जानकारी दे सके। आपको लज्जा नहीं करना, दूसरा का देखा इसकी बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आप हमेशा धोखा खाइएगा, और नहीं तो एग्जाम में तो बिल्कुल धोखा खाइएगा। जैसे एक लड़की से प्यार, अगर एक लड़की से साथ जबरदस्ती आप प्यार नहीं कर सकते हैं, उसी तरह मैथ जबरदस्ती आप नहीं पढ़ सकते हैं, ये याद रखिए, नहीं तो आन वक्त पर आपको धोखा देगा, रट के जाइएगा, फार्मूला रट के जाइएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन मेन एग्जाम में अब एग्जाम हॉल में नहीं बनता है, वहां धोखा देता, कभी लगता है बाप रे इतना मैथ पढ़े थे अब मैथ हमको धोखा दे दिया, मैथ के चलते मेरा रिजल्ट गड़बड़ा गया, किताब फाड़ देंगे, ये फाड़ देंगे, तो ये सब चीज यही कारण होता है, ठीक है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, खुद को कमजोर ना समझे, ये सब सारा चीज बता दिए, और मैथ को जो शुरुआत से पढ़े, ये ना कि कभी इधर से पढ़े कभी उधर से, आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत से पढ़े, पहले जैसे कि आपको एलसीएम से पढ़े, फिर आप नंबर सिस्टम पढ़े, फिर रेशियो पढ़े, इस तरीका से पढ़िएगा तो आप सबसे बेहतर तरीका से आप जो है सफल हो पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब ये आप लोगों को कमेंट करके बताइए, जैसे आप हम बताते हैं, अगर आप हमारे पास जो ये बुक है, देखिए किरण पब्लिकेशन का मैथ का, ठीक है, और भी मेरे पास बुक है, जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म का 10,000 5,000 इस तरह से आता है, और आप यहाँ देख सकते हैं यूथ का भी है मेरे पास, ठीक है, यूथ बुक का भी है। आप कॉमेंट करके बताइए कौन सा बुक को फॉलो करें जो कि आप बेहतर तरीका से सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार रहता है, और आपका एक कमेंट हमको जो है इस तरीका से आपको बेहतर बनाने के लिए, बेहतर तरीका से मैथ को रीजनिंग को बनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित करता है। चलिए दोस्त, हम आपका लगभग पूरा कोशिश किए, आपको समझाने का प्रयास किए कम शब्दों में, और आप बेहतर तैयारी SSC रेलवे बैंकिंग चाहे आप कहीं भी अगर मैथ रीजनिंग का अगर पूछा जाता तो देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का TCS पर आधारित बिल्कुल आज तक का प्रश्न है, ठीक है। और आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं 2010 से 2022 तक का, क्योंकि बिहार पुलिस का तैयारी कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि बाबरे क्वेश्चन हुआ, जब जाइएगा कहीं कोई संस्था में मार रहे हैं तो बिल्कुल हल्का प्रश्न रहेगा, लेकिन जब मेन हॉल में जाते हैं मेन एग्जाम रहता है तो वहां जाकर फंस जाते हैं, ठीक है। तो नए पैटर्न पर आधारित है, एक बार जरूर इस सेट प्रैक्टिस को बना करके देखें,
बहुत मजा आने वाला। और साइंस का भी बुक है, हर तरह का बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा बुक उपलब्ध है, साइंस एक बार पढ़ करके देखें। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। हम आपको हर तरीका से देखिए, बुक को फॉलो करें, आप तरीका से बनाएं, आप खुद को कमजोर नहीं समझें। और ये मैथ है, आपको लपियाएगा, जुतियाएगा, आपको सक्सेस भी बनाएगा। आप इससे एक बार जरूर प्यार करके देखिए, बहुत मजा आएगा। तो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।